बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है 14.1 एक्सरसाइज का उसका ए वाला पार्ट करेंगे। उसमें क्या कहता है, उसमें हमें उसने जो है वो मनी बॉक्सेस दिए हुए हैं और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉइन इन अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स के अंदर कितने कॉइन हैं। अगर जो हमारे पास टोटल बॉक्सेस की तादाद कितनी है, चार बॉक्सेस हैं, तो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर 10 कॉइन है और उसका वेट कितना है, 312, यानी 312 उसका वेट है। उसके बाद सेकंड बॉक्स के अंदर जो है वो 20 कॉइन है और उसका वेट यानी एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ कॉइन को। अब उसमें कहता है क्या हमने फाइंड क्या करना है। नंबर वन तो हमने फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स यानी हमने वाई की एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, y फाइंड करना है। नंबर टू हमने क्या करना है, उसमें कहता है इसके आगे दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स, हमने वेट फाइंड करना है एम्प्टी बॉक्स का। अच्छा बेटा देखिए, एम्प्टी बॉक्स का मतलब है कि बॉक्स के अंदर कॉइन्स की तादाद क्या है, जीरो है। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉइन इन द बॉक्स, तो इसका मतलब इस वाले केस में x की वैल्यू क्या है, जीरो है। और दूसरा इसका पार्ट जो है उसमें क्या कहता है, द मीन वेट ऑफ सिंगल क्वाइन। अब आपने मीन वेट निकालना है सिंगल क्वाइन का, यानी मीन वेट निकालना है। और मीन वेट का फार्मूला बेटा क्या है, मीन वेट जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हमने जो है वो वाई फाइंड करना है, तो वाई का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी एक्स। अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो बी के लिए हमें पहले समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स समेशन वाई, एक्स और वाई ये दो वैल्यूज हमें उसने बुक में गिवन दी हुई थी। एक्स है 10, 20, 30, 14, सबको ऐड किया तो 100 आया। वाई की ये वैल्यूज है चार, इनको ऐड किया तो ये 2368 आ गया। फिर अब हमने जो फार्मूले में हमें एक्स वाई चाहिए, इसलिए हमने पहले ही एक्स वाई को क्या कर लिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम 10 को मल्टीप्लाई 312 से करेंगे तो ये 3120 आ जाएगा। फिर इसी तरह 20 को 509 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 30 को 682 से मल्टीप्लाई करेंगे 20460 आ जाएगा। इसी तरह 40 को 865 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34600 आ जाएगा। फिर हमने ये जो एक्स वाई की वैल्यू थी इनका समेशन निकाल लिया, इनको जमा कर लिया। इसी तरह फिर फार्मूले में हमें एक्स स्क्वेयर भी चाहिए होता है, जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाली, 10 का स्क्वेयर लिया 100, फिर एक्स है 20 इसका स्क्वेयर लिया तो 400, 30 का स्क्वेयर लिया 900 और 40 का स्क्वेयर लिया तो 1600, ये भी निकला है। अब हमने सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, बी का फार्मूला है हमारे पास एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर। तो अब बेटा हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, चार बॉक्सेस हैं। तो एन की जगह 4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन एस्टिमेशन एक्स वाई से, एक्स वाई की ये वैल्यूज है, इनको ऐड किया था तो कितना आया था, 68,360 माइनस मेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 थी, ये हमने पहले ही फाइंड की हुई है, तो ये इसकी जगह हमने क्या रख दिया 100। फिर मल्टीप्लाई समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, समेशन वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है 2368 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर का समेशन, ये एक्स स्क्वेयर है इसको जमा किया था तो ये कितना आया था, 3000 आया था। और माइनस बेटा समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास 100 थी, ऊपर इसका क्या आ गया, स्क्वेयर। अब हम बी फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 68,360 माइनस 100 मल्टीप्लाई 2368 इज इक्वल टू 9160। इनको बेटा सॉल्व करके कितना आया, 9160 डिवाइडेड बाय, अब 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का स्क्वेयर लेंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, मैं जरा डायरेक्ट करता हूं,
4 × 3000 − 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 500। ये आ गया 500। अच्छा बेटा, ये जो मैं डायरेक्ट करता हूँ ना सारी वैल्यूज को, इस सारे को हल करके ये लिख लिया, इस सारे को हल करके ये, अगर किसी को समझ नहीं आती तो नीचे मेरा नंबर है, आप वहां पे मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सारी ये कैसे आता है, वो मैं आपको अलहदा से समझा दूंगा कैलकुलेटर के ऊपर। अच्छा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वैसे ही बड़ा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया जाए। ये वैसे आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर देता हूँ। अब हम कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, 9160 को डिवाइड किस पे करेंगे, 500 पे। तो 9160 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 18.32। बी की वैल्यू आ गई 18.32। ये हमारा बी निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो ए का फार्मूला हमारे पास था वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो अब ये वाई बार का मतलब है वाई का मीन, यानी समेशन वाई ओवर एन। तो समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, समेशन वाई की वैल्यू थी 2368 और एन की वैल्यू थी 4। टोटल हमारे पास वैल्यूज 4 थी, तो अब हम 2368 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2368 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा ये आ गया 592। 592। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार का फार्मूला क्या होगा, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स 100 था और एन हमारे पास 4 था, तो हम अब 100 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। ये अब हमारे पास 25 आ गया। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालने के लिए वाई बार की वैल्यू आई थी 592 − b की वैल्यू है 18.32 और इसको मल्टीप्लाई एक्स बार से करेंगे और उसकी वैल्यू क्या थी, 25 थी। अब इन सब को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है फिर इसमें से उसको माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, 592 − 18.32 × 25, तो बेटा ये आ गया 134। ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना था, रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी। रिग्रेशन लाइन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये वाला फार्मूला। अब ए की वैल्यू बेटा हमारे पास आई है 134 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 18.32 और साथ क्या आ गया, एक्स आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, रिग्रेशन लाइन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई, ये हमारे पास जो है ना वो फाइंड हो गई है। अब हमने आगे क्या करना है, आगे कहता था आपने वेट निकालने हैं आप एम्प्टी बॉक्सेस, यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ कॉइंस क्या हो, जीरो हो, वो बॉक्स आपका एम्प्टी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला ये वाला काम था, अब इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्टी बॉक्स के लिए एक्स को जीरो रखेंगे और हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या थी, एस्टिमेटेड वैल्यू वो थी 134 + 18.32 और यहाँ पे था एक्स, और अब हमने एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, 18.32 और एक्स की जगह हमने जीरो पुट कर दिया, ये सारा जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 134, ये सारा जीरो हो जाएगा तो ये 134 ही रह जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आई है जब आपके पास एम्प्टी बॉक्स होगा। उसके बाद दूसरा था हमारे पास कहता था मीन वेट आपने निकालना है, तो बेटा जो मीन वेट आपने फाइंड किया है वो आपके पास क्या आया, क्योंकि उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था वो बी के इक्वल होता है, तो मीन वेट हमारा फिर क्या आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, बी की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 18.32। तो ये हमारा मीन वेट भी फाइंड हो गया। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें यही दो चीजें पूछी थी कि वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स, वो भी हमने फाइंड कर लिया, और दूसरा पूछा हुआ था मीन वेट, तो वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 का ए वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह।